दोस्तों ये एक छोटी अलार्म क्लॉक है, और इसमें दोस्तों क्या दिक्कत है, ये घड़ी तो चल जाती है, ठीक चलती है। और दोस्तों इसमें दिक्कत क्या है कि इसकी जो अलार्म है कभी बजती है कभी नहीं बजती, और कभी कभी घड़ी भी थोड़ी सी दिक्कत कर जाती है। तो दोस्तों एक तो इसके अंदर ये हम देख रहे हैं यहाँ पे स्प्रिंग में जंग लगा हुआ है, ये हमें या तो स्प्रिंग हम चेंज करेंगे या फिर इसको साफ़ करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर चेंज कर दें तो अच्छा ही है, साफ़ करने से कई बार क्या आता है अगर इसमें ज़्यादा जंग लगा हो स्प्रिंग में, तो दोस्तों ये जो सेल होते हैं हमारे इनको जल्दी ख़त्म करने लग जाते हैं। जैसे सेल अगर 6 महीने चलता है तो 1 महीने में ही ख़त्म होने जाता है, की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल हैं, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सॉल्यूशन, आप दोनों ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों का बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिस मिलता रहे। चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, खोल के इसको रिपेयर करते हैं। और दोस्तों ये दो पेज खोलते हैं हम पहले इसके, तो दोस्तों ये हमने ये इसको पेज खोल लिए। अब देखो इसको हमने खोल बाहर निकाल लिया, और दोस्तों ये तो इसकी मशीन है, इसमें घड़ी की अलार्म के लिए जो सप्लाई आती है दोस्तों वो इसी के थ्रू आती है, क्योंकि अंदर जाके जो ये बीच वाली पत्ती, दो पत्ती शॉर्ट होती है तब ये सप्लाई अलार्म के लिए, ये यहाँ पे जो मोटर के लिए सप्लाई आती है दोस्तों, और मोटर जो इसमें वाइब्रेट करके ये घंटी इधर उधर करती है, ये जो गरारी के थ्रू। तो चलो दोस्तों पहले इसकी हम स्प्रिंग बदलते हैं, ये स्प्रिंग में दोस्तों ये जंग लग रहा है इधर वाली में, तो ये हम स्प्रिंग स्प्रिंग निकालते हैं दोस्तों, इसकी रिस्प्रिंग बदलते हैं। और स्प्रिंग पे दोस्तों ये तार लगे हुए हैं, इसमें ये तार हमें हटाने पड़ेंगे, यहाँ से हम तार हटाएं कहीं और से भी हट जाए तो आप कंफ्यूज कंफ्यूज हो जाते हैं, सभी हो जाते हैं कंफ्यूज, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। मोड़ के जिससे तीनों के तारों को हमने हटा लिया, हटाने के बाद ये दोस्तों हम इसको यहाँ से स्प्रिंग हटा लेते हैं इसकी। दोस्तों स्प्रिंग हम साफ करके इसको चला सकते थे, लेकिन दोस्तों इसको चलान इसलिए साफ करके नहीं चलाया कि कई बार क्या होता है कि ज़्यादा थोड़ा सा गली हो इस तरह की जो स्प्रिंग है, यहाँ पे काफ़ी जंग लगा हुआ है, और दोस्तों अगर यहाँ भी इधर पीछे भी जंग लग जाए तो ये बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाती है और जल्दी जल्दी खर्च हो जाती है इसमें बैटरी। तो दोस्तों ये हमारे पास कुछ स्प्रिंग पड़ी हैं, इनमें से हम लगा के देखेंगे। इस तरह की ये आप स्प्रिंग जो है आप किसी में से निकाल सकते हैं, जो पुराने खिलौने वगैरह पड़े हों आपके पास या कोई वैसे भी, तो किसी में भी ये लगी होती है स्प्रिंग, आप पुराने रिमोट टूटे फूटे हों तो उनमें भी लगी होती है दोस्तों ये स्प्रिंग, तो ये स्प्रिंग उसी में से निकल के डल जाती है। और दोस्तों इसको ऐसे पिरो, यहाँ से इसमें खांचा होता है, आप इसको पिरो लें, आप पिरोने के बाद इसको हम सीधा कर लेते हैं। दोस्तों हमने ये स्प्रिंग लगा लिया, इसमें ये स्प्रिंग लग गई, क्योंकि हमारी उस वाली स्प्रिंग में दोस्तों ये इसमें जंग लगा हुआ था, ये सारा जंग लग रहा था इसमें, तो ये हमने हटा दिए और ये दोस्तों लगा ली। और इसको लगाने के बाद थोड़ा सा मोड़ लें जिससे नीचे को न जाए दोस्तों, और हो सके तो यहाँ कोई गम वगैरह लगा दें, वैसे तो नहीं जाएगी। दोस्तों चलो इस पर सोल्डिंग करते हैं, सोल्डिंग करके फिर इसको टेस्ट करेंगे। दोस्तों इस पर पहले पेस्ट लगा लेते हैं, पेस्ट लगाने से थोड़ा सा दोस्तों टांका जो है ना अच्छा लगेगा थोड़ा सा। दोस्तों ये हमने सोल्डिंग पे इस पर टांका पैसे आयरन से लगा लिया, अब हम टांका लगाएंगे तो वो थोड़ा सा आसानी से और अच्छी तरह लग जाएगा। तो दोस्तों ये जो ये वाले तार थे, अब इनको हम तारों को एक साथ टांगा लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने टांगा लगा लिया, टांगे को थोड़ा सा हल्के सा खींच के भी देख ले,
जिससे कि कोई अगर छूट ना हो, कई बार टाँका ऐसा लगता है कि लग गया लेकिन कभी कभी छूटने का वो रहता है। दोस्तों ये हमने सोल्डिंग कर ली, और सोल्डिंग करने के बाद दोस्तों एक बार इसको हम बंद करके चला के देखते हैं। दोस्तों हम इसमें सेल लगा देते हैं, ये घड़ी तो हमारी चल रही है, घड़ी का टाइम बाद में सेट कर लेंगे। और दोस्तों ये अलार्म ऑन करते हैं, और अब हम अलार्म के लिए इसको घुमा के देखेंगे। अलार्म हमारी दोस्तों अलार्म नहीं बजी, हाँ दोस्तों ये बज गया अलार्म। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी ये आवाज़ पेच वगैरह की, क्योंकि मोटर इससे टच होकर चलती है तो ये इस तरह बजाती है। तो हमारी ये बजने तो लगी है दोस्तों, अब इसकी थोड़ी सेटिंग करते हैं, हो सकता कोई तार वगैरह अड़ रहा हो वगैरह, हमें इसमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ये तार यहाँ पे शायद इसमें आ जाता है, क्योंकि मोटर यहाँ पे अटकेगी दोस्तों, इसमें मोटर चलेगी तो यहाँ पे कोई तार आ जाएगा तो इसमें दिक्कत करेगा। और दोस्तों हम तार को नीचे की साइड कर लेंगे, और जिससे हमारे बटन वगैरह में नहीं आए। अब हम इसको बंद करेंगे दोस्तों, इसको एक बार पेच लगा लेते हैं दोस्तों इसके। ये दो पेच हैं और ये दोनों पेच लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों इसकी जो बैल है वो बजने लगी, और ये जब तक हम बंद नहीं करेंगे तो बंद नहीं होती। दोस्तों में ये 45 मिनट तक रेगुलर बजती रहती थी ये दोस्तों। आप इसको यहाँ से पीछे से सोचे इसको ऑफ कर देंगे, और इसका टाइम सेट करते हैं, टाइम हुआ इसका 5:55 कर देते हैं। दोस्तों ये 5:55 पे हमने टाइम सेट कर दिया इसका, और दोस्तों ये जो बटन है ये देखो, इसमें एक बटन इसमें लाइट का भी दे रखा है, ये बटन दबाएंगे अगर आपको अंधेरे में टाइम देखना है तो आप टाइम भी देख सकते हैं इसमें। और दोस्तों इसकी एक बार हम बेल और बजा के देखते हैं, ये हमने ऑन कर दिया है, और इसको बेल को हम 5:45 पे करेंगे सेट। तो दोस्तों अगर आपके पास इस तरह का टाइम पीस है, टाइम अलार्म है, तो आप इसी तरह उसको रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल हैं, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइंड सॉल्यूशन, आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।